नंदिनी को क्या हो गया है? नंदिनी, क्या हुआ भाभी? टैक्सी, रुकिए रुकिए, भाई साहब कनॉट प्लेस के पास किसी अच्छे होटल में ले चलिए। आइए मैडम बैठिए। हेलो अखिल, नंदिनी अपने कमरे में बेहोश हो गई थी, हम लोग उसे डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप भी वहाँ जल्दी पहुँचिए। मैडम मुझे आगे का रास्ता पता नहीं, आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा अब आगे चलिए, हम किसी से पूछ लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। क्या सर? पहले आपको इधर फॉर्म भरना होगा, आपको अंडरटेकिंग साइन भी करना होगा। क्यों? ए तुम चलो। सर क्योंकि पेशेंट के इलाज के दौरान कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपकी जिम्मेवारी होगी। ए क्या समझते हो तुम? जानते हो किससे बात कर रहे हो तुम? बलराज अस्थाना हूँ मैं और मैं ये सब साइन करूंगा? Who the hell you think you are? क्या हो रहा है? बलराज अस्थाना और आपका ये स्टाफ कहता है मैं ये फॉर्म साइन करके दूं, अंडरटेकिंग साइन करके दूं, तभी सब आगे काम होगा। समझाइए इसे। प्लीज सर, प्लीज। आई एम सॉरी सर, आप चिंता ना करें, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। मेरी बहू है, प्रेग्नेंट है। यू कॉल डॉक्टर शर्मा इमीडिएटली। मेरे बहू के बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर, नंदिनी बहुत कमजोर हो गई है। चलो कमन भाई ले जाइए। चलिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ताई जी, कोई खबर आई क्या? गाड़ी में जगह नहीं थी, नहीं तो मैं भी चली जाती। अखिल भैया का फोन आया, एक घंटा हो गया, सब ठीक तो होगा ना ताई जी? अगर हमारे बार बार कहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम बार बार कहेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। दीपिका जी, जाओ सब्जी काटो। क्या कर रहे हैं आप लोग? चला यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? एक लुक तो दे दे। स्टॉप इट। दिल्ली जैसा शहर आप जैसे लोगों की वजह से बदनाम हुआ है, लड़कियां देखने की शुरू हो जाते हैं, जाने दो मुझे। अरे ये तो भाई चुप कर। यूजर तब सब क्या हुआ? I'm so sorry. नंदिनी? नंदिनी जी इज फाइन, पर हम बच्चे को बचा नहीं पाए। अनिरुद्ध का बेटा इस घर का वारिस होगा। इस घर का वारिस एक बच्चा होगा जो अब तक पैदा भी नहीं हुआ। ये नंदिनी के फादर की रखी हुई शर्त है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर नंदिनी का बाप इस घर पर फिर से क्लेम कर सकता है। नंदिनी, डॉक्टर, 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 नंदिनी, मुझे मरने दे, मुझे मरने दे, प्लीज मुझे मरने दे, प्लीज काम काम, मुझे मर जाने दीजिए, प्लीज। हमारे बच्चे को नहीं बचा पाई। अब दिल्ली से तो है नहीं, यहाँ लड़कियां रात 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती। आपने सही कहा था, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, किसी से मिलने आई हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड की फैमिली से। कोई था जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, और उसी के घर को ढूंढते ढूंढते मैं दिल्ली पहुंच गई। मिला घर? शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूं? Name, address, something? Seriously?